लगभग 18-19 साल पुराने एक दोस्त का फोन आया, कोई वीडियो देखा होगा। हालचाल पूछने के बाद में बड़े नाराज हुए, कहने लगे, हम और आप साथ साथ काम करते थे, आपने काम क्यों छोड़ दिया, क्यों वहां से चले आए, उस संगठन से क्यों चले आए, क्या कारण रहे आपने बताया भी नहीं, और मैं वहां काम करता रहा, मैं बड़ा लुट गया पिट गया, कोई फायदा मुझे नहीं हुआ। वो जो व्यक्ति जो संगठन को चला रहा था उसको बड़ा फायदा हुआ, वहां फिर उसने पुराने लोगों को निकाल दिया, नए लोग और आ गए, फिर उनको लूटा पीटा, फिर और नए आ गए, ये चैन चलती रही। आप बड़े उस्ताद निकले, आप बहुत जल्दी वहां से निकल आए, मगर आपने बताया नहीं और मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। मैंने उनसे सॉरी बोला, माफी मांगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सबको ये बताइए कि संगठन में किस व्यक्ति को कैसे पहचाने ताकि मेरे जैसे लोग और ज्यादा ना लुटें पिटें, जिससे समाज का नुकसान ज्यादा ना हो। मैं एक अच्छा कार्यकर्ता था, अब मैं बिल्कुल खिन्न मन से बैठा हुआ हूं, क्योंकि मैंने सारी शक्ति सारी ऊर्जा सारा पैसा लगाया और मेरी सारी ऊर्जा सारी शक्ति सारी पैसा बेकार गया, वो आदमी व्यक्तिगत होकर अपने फायदे के लिए लगा रहा। मैंने उनसे वादा किया कि मैं इस पे वीडियो बना के सबको बताऊंगा कि कैसे व्यक्ति को पहचाने। जिस नेता को आप साथ काम कर रहे हैं या जो लीडरशिप कर रहा है या जो नेतृत्व कर रहा है या जो नेतागिरी के लिए आगे आने को तैयार है, सबसे पहले आप ये देखें कि उस वो व्यक्ति अकेला है या उसका परिवार भी उसमें साथ है। जो नेता झूठा होगा उसका परिवार साथ नहीं होता है, ना उसका बेटा ना उसकी बेटी ना उसका पत्नी ना उसकी माँ ना उसके बाप, वो अकेला होता है। इसका मतलब यह है कि वो अपने परिवार को कन्विंस नहीं कर पाया, अपने परिवार को समझा नहीं पाया, अपने परिवार को संघर्ष क्या है, शक्ति क्या है, संगठन क्या है, इस बात को बता नहीं पाया, तो समझाने में कमजोर है। यानी हमें समझाएगा और अपने बेटे को नहीं समझा रहा है, या समझाना चाहता नहीं है, वो नहीं चाहता कि इस फालतू के संगठन में फालतू की बात में उसका परिवार, उसका बेटा, उसका बेटी, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप लगे, उसके भाई बहन लगे, क्योंकि ये फालतू की चीज है, इससे सिर्फ लेना लेना है, आमदनी लेनी है, पैसा लेना है और कुछ बनना है, या ये उसकी सोच रही होगी। मगर जो व्यक्ति सच में समाज के लिए काम करने वाला होगा, नेतृत्व देने वाला होगा, उसका पूरा परिवार लगेगा किसी ना किसी तरीके से, चाहे तो वो पैसा देगा, चाहे वो समय देगा, चाहे वो साथ रहेंगे, चाहे कुछ ना कुछ और तरीके से वो रहेंगे, पर उनकी विचारधारा सेम होगी और आप उनको देखते रहेंगे, आपको वो देखने के लिए मिलते रहेंगे, और उनमें डिफरेंस नहीं आएगा उनके लेवल में। ऐसा नहीं आएगा कि वो अपने परिवार को बचा के तो अलग रखे, आपसे मिलने ना दे और आपको अलग रखे। जो छदम नेता होता है, जो झूठा नेता होता है, जो लोगों का शोषण करने की तैयारी करता है, वो अपने परिवार को बचा के रखता है, वो किसी से मिलवाता नहीं है, मिलवाएगा भी उनसे जो और लोग होंगे, जो विरोधी लोग होंगे आपके हिसाब से, और जिनको वो विरोधी कहता होगा उनमें जाके बैठेंगे उठेंगे, उनकी वाह वाह करेंगे, मतलब ऊंचे इस स्तर पे जाके बैठेगा, अन्य लोगों में बैठेगा, आपके साथ नहीं बैठेगा, ना कभी आएगा। पहली पहचान ये है। दूसरी पहचान ये है कि आप नेता के बारे में हिस्ट्री मांगिए, पूछिए कि आप अपनी हिस्ट्री बताइए पहले, और बेखौफ होकर पूछिए, जो आपको नेता के लिए रिकमेंड करे और पूछे, ये कहे कि इस नेता के साथ काम करना है, तो कहिए कि भाई इसकी बचपन से लेके आज तक हमें हिस्ट्री दे दो, इसके परिवार की हिस्ट्री दे दो, इसके आसपास की हिस्ट्री दे दो, और उस हिस्ट्री को क्रॉस चेक कीजिए। आप तो मोबाइल हैक कर सकते हैं, जहां का है वहां का लिंक पूछिए, लिंक निकालिए, और कोशिश कीजिए कि विरोधी लोगों से पूछें। जो समर्थक हैं वो तो वाह वाह करेंगे, उन्हें तो कुछ पता नहीं है, हो सकता उसके सधे हुए लोग हैं, विरोधी लोगों से फिर अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि क्या ये ठीक है, क्या ये खराब है। अपने नेतृत्व करने वाले का IQ चेक कीजिए कि इसकी सोच कहां तक है, सोच इसकी कैसी है, इसकी सोच ऐसी है कि ये चीज को आगे बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है, उसकी सोच का कैसे पता चलेगा। अगर वो समानता की बात कहता है और समानता लागू करता है और खुद प्रैक्टिस करता है, अगर वो हिसाब लेने की बात किसे करता है और खुद भी हिसाब देता है और उसको लागू करता है, अगर वो किसी को अंधभक्त कहता है और अपने यहां अंधभक्त नहीं बनाता है और इसको लागू करता है, किसी की अगर वो बुराई करता है
और अपनी बुराई को नहीं देखता है, अपने संगठन की बुराई को नहीं देखता है। इसको आप चेक करें, इसको देखें, अपना काम कितना करता है और दूसरे काम में कितनी टांग अड़ाता है इसको देखें। उसके सोच के दायरे इस बात से पता चलेगा कि वो देश के लेवल के हिसाब से संगठन के बारे में सोच रहा है, या स्टेट के लेवल के हिसाब से संगठन के बारे में सोच रहा है, या वो राज्य या कोई जिले के बारे में सोच रहा है, या फिर एक जाति के बारे में सोच रहा है। ये उसके काम करने के तरीके से आप पता कर सकते हैं। जो व्यक्ति देश के लेवल के हिसाब से सोचेगा वो अच्छा नेता होगा, और जो जात के हिसाब से सोचेगा वो सबसे घटिया नेता होगा, क्योंकि जात के रिजल्ट तो आने हैं नहीं, जाति का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। फिर आप ये देखें कि जो पैसा आप इकट्ठा करके उसको दे रहे हैं, क्या सारा पैसा खर्च करने के लिए वो खुद ही ले जा रहा है और उसका हिसाब नहीं दे रहा है, और आपको पैसा खर्च करने के लिए दिया नहीं, इसका मतलब वो शोषण कर रहा है संगठन का, संगठन से ले रहा है मगर संगठन में इकाई चलाने के लिए पैसे नहीं दे रहा है। यानी कि इकाई चलाओ आप अपनी जेब से और पैसा इकट्ठा करके दो उसको, और उसका भी वो हिसाब देगा नहीं। फिर आप ये देखिए कि जो लोगों से मिलना जुलना हो रहा है या लोगों के साथ में संवाद हो रहा है, वो अकेला कर रहा है या वो लोगों को मुकर्रर कर रहा है कि आप इसको सबको जिम्मेदारी इंडिपेंडेंट रूप से दे रहा है या नहीं। अगर वो सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है तो समझो कि गई भैंस पानी में, ये नेता बिल्कुल बेकार है, इसको तुरंत छोड़ देना अच्छा है। और अगर वो सबको उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी दे रहा है और विश्वास कर रहा है और उनको उनकी गलतियों को ठीक कर रहा है और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उनको एनकरेज कर रहा है कि नहीं ठीक किया है आप करो, आपको करना चाहिए, कर सकते हो, आपसे ये होगा, देखो करो, मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो, तो वो नेता संगठन का जो सोच है, जो गण सोच है, जो सार्वजनिक सोच है, उसके हिसाब काम कर रहा है और वो नेता ठीक है। जो नेता आपके काम करने से घबरा रहा है, सपोज जैसे आप बहुत बढ़िया काम करते हैं और इतना बढ़िया काम करते हैं कि संगठन में आप बहुत तेजी से बहुत सारा काम संभाल सकते हैं, और नेता इसको देख के डर जाए और आपके पर कतरने शुरू कर दे, आपकी जिम्मेदारी कम कर दे, या आपको कम काम के लिए कहे, या आपके अगेंस्ट में कोई और व्यक्ति खड़ा कर दे, या आपको डिमोलाइज कर दे, या आपका नाम कहीं रिकमेंड ना करे, या आपको पीछे करे, या किसी भी तरह से आपको हीन या तुच्छ करने की कोशिश करे, या आपको दबाए, उस नेता को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो नेता मुर्दों का नेता है और मुर्दों के नेता कभी जीतते नहीं है, क्योंकि उसे दबंग और अच्छे आदमी पसंद नहीं है, उनसे घबराता है वो, तो तुरंत उसको छोड़ देना चाहिए। जो नेता रोटेशन ना करे, यानी कि अपने संगठन को रोटेट ना करे और खुद भी एक सीट से चिपका रहे और औरों को भी चिपका के रखे जो उसके चमचे हैं, जो उसके अच्छे हैं, तो समझ लीजिए कि यहां बिल्कुल नहीं रहना है, ये तो बिल्कुल स्थिति जहर जैसी है, रुका हुआ पानी तो सड़ जाता है, तो वो सड़ चुका संगठन है, पहले ही समय से ही उसको ज्वाइन करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये बिल्कुल क्लियर मान के चले। नेता से पूछें कि उसका आइडियोलॉजी और उसका संविधान कैसा है। संविधान अगर बाबा साहब के संविधान से मैच करता है, उसमें व्यवस्था गण वाली है, बंटवारे की है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, स्टेट लेवल तक का है, जिले लेवल तक का है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, अगर वो संविधान उस संविधान में झलकता है, संविधान ठीक है, उसके बाद वो उस पर क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करें, और अगर नहीं हो रहा है तो उसका विरोध करें कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर विरोध को वो ना माने तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। आपका पैसा, आपका समय, आपका टाइम बचेगा, समाज का भी बहुत कुछ बचेगा। नेता को आप देखें कि जो नेता है इसका व्यक्तित्व कैसा है, कहीं ये साइकिक तो नहीं है, पागल तो नहीं है, मतलब ये कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा है, या पर्सनल इसका ईगो या इच्छा तो नहीं है, या ये कहीं पर्सनल रूप से हीन दृष्टि से, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से दबा हुआ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नेतागिरी कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने किसी दोस्त को खुश करने के लिए नेतागिरी कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने रिश्तेदारों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा ऊंचा हो गया नेतागिरी कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी दूसरी जात के विरोध में नेतागिरी कर रहा हो उसको दिखाने के लिए। उससे सावधान रहिए, रिजल्ट नहीं आने वाले, क्योंकि उसका पर्सनल मैटर है, सामाजिक मैटर नहीं है। पर्सनल व्यक्ति जब किसी अहम में या चोट में कोई काम करता है तो वो सफल नहीं होता और वो नुकसानदायक होता है। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आप नेता के बारे में पता कर सकते हैं। नेता कितना अपडेट रहता है, नेता कितनी जानकारी रखता है, नेता कितना हाजिर जवाब है, नेता की पर्सनलिटी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेता एक ड्रेस पहन के घूम रहा है और उस ड्रेस में नेतागिरी दिखा रहा है, यानी कि वो कपड़ों का ही गुलाम हो गया, या एक बालों का स्टाइल रख लिया तो बालों का गुलाम हो गया, या उसने अपने हाथ में कोई चूड़ी पहन ली तो उसका गुलाम हो गया, या कहीं वो कोई ब्रेसलेट पहन के घूम रहा है तो उसका गुलाम हो गया,
या कहीं उसने कोई गमछा या कोई पटका या कोई चादर ओढ़ ली तो उसी का गुलाम हो गया। ये देखिए कि कहीं वो राग में तो इन्वॉल्व नहीं हो गया है, यानी काम छोड़ के और अपनी ड्रेस में, अपनी पोशाक में, अपनी वेशभूषा में अपने फोटो की आइडेंटिटी बना रहा है, यानी कि अपनी छवि बना रहा है, एक छाया चित्र बना रहा है लोगों के दिमाग में। वो नेता काम का नहीं है, क्योंकि वो तो छाया चित्र बना रहा है, वो तो व्यक्तिवाद पे है, वो व्यक्तिवाद पे ही जाएगा आगे। वो जो सर्वजन वाला मैटर है, जो देश का मैटर है, उस पर काम नहीं करेगा। क्योंकि कोई नेता तो करेगा तो उसको तो बेचारे को ये होश नहीं रहेगा कि उसने खाया क्या है, पहना क्या है, पिया क्या है, कर क्या रहा है। कोई कहे कि मेरा फलाना महापुरुष ऐसा है तो उसके कारण रहे हैं, कोई कहे कि बुद्ध ने एक ड्रेस बनाई है उसके कारण रहे हैं, क्योंकि विपसना करने के लिए एक ड्रेस वैसी चाहिए। कोई कहे कि डॉक्टर अम्बेडकर टाई लगाते थे तो उन्होंने स्पष्ट बताया है कि वो सूट बूट में क्यों रहते थे, क्या कारण था। मगर आज के समय ऐसी समस्या है नहीं, आज के समय लोग एक छवि अपनी बनाने के लिए करते हैं कि हम नेता बनेंगे तो हमारे कपड़ों से हमारी पहचान होगी। वो हमारे लिए बेकार का नेता है, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, और भी बातें हैं, आप देखते होंगे, समझते होंगे। इस प्रकार आप अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ बचा सकते हैं। समाज के अंदर अच्छे नेताओं की भी कमी नहीं है और ऐसे टटपुंजी नेताओं की भी कमी नहीं है, मगर अफसोस ये है कि ये टटपुंजी नेता अपने आप को चमका के पैसा खर्च करके अपना चेहरा, अपना फोन, अपने कपड़े, अपना नाम, अपना चीजें बार 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 प्रदर्शित करते हैं, और भाषण हमेशा जो देंगे झूठ पर आधारित देंगे, लंबा चौड़ा भाषण देंगे मगर 1% भी उसको जमीन पर नहीं उतारेंगे, और वो सच भी नहीं होगा। बहुत जोर जोर से बोलेंगे मगर किसी भी हालात में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको क्रियान्वयन नहीं करेंगे। और जो सही में नेता होता है वो बहुत आराम से बोलता है, जैसे मान्यवर काशीराम जी थे, बहुत धीरे धीरे बोलते थे मगर जो बोलते थे उतना करते थे। भगवान बुद्ध का तो मुझे पता नहीं कि वो कैसे बोलते होंगे, क्योंकि हमने तो सुना नहीं, मगर संभवतः जो बताते हैं वो कहते हैं कि वो बिल्कुल उनकी सदी हुई वाणी रही होगी, क्योंकि जैसे उनके जो आए हुए भाषा का जो इस्तेमाल उन्होंने किया होगा, या जो जैसा उन्होंने सुन सुन के जो लोगों ने लिखा है उसके हिसाब से लगता है कि उन्होंने एक एक शब्द को बहुत नपा के और तुला के बहुत अच्छी तरह से बताया होगा सम्यक तरीके से। ये नेता की पहचान है, इन नेताओं के अगर आप पहचान लेंगे तो बहुत भला आपका भी होगा, समाज का भी होगा। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.
Thank you.